हेलो एवरीवन, मैं हूँ प्रेरणा और स्वागत है आपका यूट्यूब सहेली चैनल में। प्रेगनेंसी सिम्टम्स के बारे में तो आपने बहुत सुना है। प्रेगनेंसी सिम्टम्स पर मैंने भी आप सभी के लिए बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, हर एक जानकारी को बारीक से बताया। लेकिन कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो प्रेगनेंसी को बताते हैं, लेकिन वो इतने अजीब होते हैं कि आप सोच नहीं सकते कि क्या ये लक्षण भी प्रेगनेंसी के दौरान होते हैं। तो आज ऐसे ही कुछ अनयूजुअल सिम्टम्स, असाधारण कुछ लक्षणों के बारे में हम जानेंगे जो कि एक प्रेग्नेंट महिला को अर्ली प्रेगनेंसी में होते हैं, फर्स्ट ट्रिमेस्टर में दिखाई देते हैं खास तौर से, और जो मदद करते हैं जानने में कि आप प्रेग्नेंट हो चुकी हैं या नहीं। उन लक्षणों को जानकर आप भी अपनी प्रेगनेंसी को प्रेडिक्ट कर सकती हैं। तो फ्रेंड्स, आइए जानते हैं कि वो सिम्टम कौन कौन से हैं। तो सबसे खास और सबसे अजीब सिम्टम है वो है रात की नींद का गायब हो जाना, रिड्यूस्ड स्लीप। आपको अगर नींद नहीं आ रही है रातों को तो ये भी एक प्रेगनेंसी सिम्टम हो सकता है। ऐसा क्यों होता है, रात को नींद नहीं आना प्रेगनेंसी सिम्टम्स किस तरीके से हो सकता है? तो फ्रेंड्स, ये जानना बेहद ज़रूरी है कि प्रेगनेंसी में हॉर्मोन्स में बहुत ज़्यादा चेंज आता है, अप्स एंड डाउन्स हॉर्मोन्स में लगा रहता है, और उनकी वजह से हमारी स्लीप साइकिल या स्लीप क्वालिटी शुरुआती समय में डिस्टर्ब हो सकती है और रातों की नींद उड़ सकती है। तो अगर आपको रातों को नींद आना अचानक से कम हो गया है, रात को आप देर देर तक जग रहे हैं, आपको नींद नहीं आ रही है, तो यह भी एक प्रेगनेंसी सिम्टम हो सकता है। अब ज़रूरत है आपको कि अपने शरीर में बाकी प्रेगनेंसी सिम्टम्स को आप समझें, देखें कि क्या आपको और सिम्टम्स हो रहे हैं जो कि YouTube सहेली चैनल पर मैंने बना रखे हैं, वीडियोस में आपको बताए हुए हैं, और अपनी प्रेगनेंसी को आप समझने का प्रयास करें। दूसरा जो बहुत अजीब सा सिम्टम है वो है नाक का ब्लॉक होना, नेजल स्टफीनेस। नाक अगर स्टफी हो रही है, ब्लॉक हो रही है, तो ये भी एक प्रेगनेंसी सिम्टम हो सकता है। इसके कई कारण होते हैं, लैक ऑफ मॉइस्चर यानी नमी की कमी भी हो सकती है, या फिर हार्मोन के चेंजेस की वजह से इम्यूनिटी पे भी कुछ इफेक्ट पड़ता है, तो वो भी रीज़न हो सकते हैं। इसके कई तरीके के रीज़न हो सकते हैं, लेकिन नाक अगर ब्लॉक हो रही है और आप बेबी प्लान कर रही हैं, आपकी डेट मिस हो चुकी है, और बाकी भी कुछ आपको सिम्टम्स हल्के फुल्के महसूस हो रहे हैं, तो आप गेस कर सकती हैं कि आप प्रेग्नेंट हो चुकी हैं, कंसीव कर चुकी हैं। तीसरा जो बहुत अनयूजुअल सिम्टम है वो है मेटेलिक टेस्ट। आपकी जुबान का टेस्ट जो है वो मेटेलिक हो जाता है, बहुत अजीब सा टेस्ट हो जाता है, और ये मेटेलिक टेस्ट हॉर्मोन्स की वजह से होता है। जब भी आप कुछ खाएंगे, आप अगर पानी पियेंगे, तो हर चीज़ का टेस्ट आपको मेटेलिक सा लगेगा, और अगर आप कुछ नहीं भी खा रहे तो भी आपके मुंह में मेटेलिक टेस्ट रहेगा। तो ये भी एक बहुत ही अजीब सा, बहुत अनयूजुअल सिम्टम है अर्ली प्रेगनेंसी का। तीसरा एक सिम्टम है कि अचानक से आपके वजाइनल डिस्चार्ज बढ़ जाता है, जो कि कभी नहीं हुआ था। इस तरीके से बहुत ज़्यादा आपको डिस्चार्ज आने लगता है, आपकी डेट मिस हो चुकी है और आप इंतज़ार में हैं, आपकी डेट मिस हो चुकी है और आप जानना चाहते हैं कि क्या मैं प्रेग्नेंट हूँ या नहीं। तो अगर वजाइनल डिस्चार्ज ज़्यादा हो रहा है तो आपको चेक करना चाहिए यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट किट से कि आप प्रेग्नेंट हैं या नहीं, श्योरिटी के लिए, क्योंकि एक्सेसिव वजाइनल डिस्चार्ज अर्ली प्रेगनेंसी का एक बहुत ही खास, बहुत ही ऑथेंटिक सिम्टम होता है। आपको पेट भी आपको बता सकता है कि आप प्रेग्नेंट हैं या नहीं, आप कंसीव कर चुकी हैं या नहीं। आप नॉर्मल अपनी फूड हैबिट्स को फॉलो कर रही हैं जो कि आप करती आ रही थी पहले से, लेकिन अब उन्हीं फूड को खाने से आपको बहुत ज़्यादा गैस बन रही है, आपको बहुत ज़्यादा डकार आ रही है, तो समझ लीजिए कि कुछ चेंजेस आया है हॉर्मोन्स में, और हो सकता है कि ये प्रेगनेंसी की वजह से हो। तो बहुत ज़्यादा गैस बनने लगना अचानक से आपके पेट में, डेट मिस होने या उसके आसपास के समय में, तो ये भी एक लक्षण है जो कि आपकी प्रेगनेंसी को प्रेडिक्ट करता है। तो फ्रेंड्स, हमने जाना कुछ बहुत ही स्ट्रेंज, कुछ बहुत ही डिफरेंट टाइप के प्रेगनेंसी सिम्टम्स के बारे में, जो कि समझना बहुत ही कठिन है कि ये सिम्टम अगर हो रहा है तो क्या प्रेगनेंसी को दर्शाता है या फिर बस ऐसे ही शरीर में कुछ आपके हो रहा है। तो उम्मीद करती हूँ कि अब आप इन सिम्टम्स को भी जानेंगी, समझेंगी, और अपनी प्रेगनेंसी को समझने में ये सिम्टम्स आपकी मदद करेंगे। शुभकामनाओं के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।